क्या है सही डायरेक्शन किसी भी प्लांट को रखने का। नमस्कार एंड वेलकम टू ध्वनि एस्ट्रो। आज हम बात करने वाले हैं कौन से प्लांट्स आपको अपने घर पर रखना चाहिए और उन प्लांट्स को रखने का सही डायरेक्शन क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं कि कौन सा प्लांट और कौन से प्लांट्स के क्या डायरेक्शन होने चाहिए, तो हमारा सबसे पहला प्लांट होने वाला है बैम्बू प्लांट, जिसे कहते हैं बांस का पेड़। तो हमारा सबसे पहले ये आपके घर के ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना सबसे ज्यादा सही होता है। अब हम बात करते हैं हमारे दूसरे प्लांट की, जिसका नाम है नीम। नीम को आपको अपने घर के नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे, याद रखना हम जब कॉर्नर बोल रहे हैं तो आपको नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर पे नीम को जरूर लगाना चाहिए। अब हमारा जो दूसरा प्लांट है वो है पीस लिली। वास्तु के अकॉर्डिंग अगर आप जानो तो पीस लिली आपके घर पे होना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने घर में सुख शांति और समृद्धि चाहिए, इस प्लांट से आपके घर में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बनी होती है, एक शांति पूर्वक माहौल होता है जिससे सारी पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होती है। तो पीस लिली को अगर आपको अपने घर पे रखना है, इट्स अ प्लांट, एक फ्लावर टाइप का प्लांट होता है, व्हाइट कलर का होता है, पीस शांति का कलर का। तो अगर आपको पीस लिली को अपने घर पे लगाना है तो इसे आप अपने घर के साउथ या नॉर्थ डायरेक्शन पे लगाइए। इससे आपके घर में सुख समृद्धि और शांति बहुत ज्यादा बढ़ती है। बात करते हैं एक ऐसा पौधा जिसे पौधा कम भगवान का रूप ज्यादा दिया गया है, वो है हमारा बेसल और तुलसी पौधा। करते हैं एक तो हमने इसके बारे में पूरी वीडियो बना रखी है, बट स्टिल आपको एक छोटे डिस्क्रिप्शन में बता देते हैं कि आपको अपने तुलसी के पौधे को घर के ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और अगर आपको तुलसी के रिचुअल्स को चेक करना है तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप उस वीडियो को जरूर चेक कर लेना। उसमें आपको तुलसी रिचुअल्स के बारे में काफी अच्छी और इन्फॉर्मेटिव बातें पता चल जाएंगी। घर पे लगाने के लिए अशोका ट्री भी बहुत अच्छी और वास्तु के हिसाब से ये बहुत ही अच्छा प्लांट होता है। प्लांट नहीं, ये तो एक्चुअली एक तरह का ट्री है। तो ये आप अपने घर पे तो नहीं लगाओगे, अपने घर के ऑफकोर्स किसी कॉर्नर पे लगाओगे, अपने पर्टिकुलर अपने घर में डेकोरेशन के तौर पे नहीं लगा सकते हो, तो वो आप अपने घर के किसी भी नॉर्थ डायरेक्शन पे लगा सकते हो। ऑर्चिड्स को बहुत ज्यादा पॉजिटिव माना गया है, ऑर्चिड्स फ्लावर्स में भी बहुत सुंदर भी दिखने में भी होती है। तो ऑर्चिड्स को अगर आपने अपने घर में लगा रहे हो तो इससे आपके घर में एक चार्मिंगनेस आती है, मतलब लोग आपकी तरफ बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, क्योंकि ऑर्चिड जो होता है वो खुद ही बहुत अट्रैक्टिव फ्लावर रहता है। तो अगर आपको ऑर्चिड अपने घर पे लगाना है तो उसे अपने घर के नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन पे जरूर। अब बात करते हैं बनाना की। तो केले का पेड़ जब आप अपने घर पे लगा रहे हो, केले का पौधा जब आप अपने घर पे लगा रहे हो, तो उसे अपने घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे लगाना। देखो केला एक ऐसा पेड़ है जिसको भगवान विष्णु की पूजा के लिए हम केले के पेड़ को, पौधे को पूजा करते हैं। देखो बृहस्पतिवार को हम केले के पौधे की जरूर पूजा करते हैं। तो ये आपके घर के साउथ वेस्ट डायरेक्शन पे होना चाहिए, इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। अगर आप अपने घर पे केले का पेड़ रख रहे हो तो उसका एक रिचुअल है जिसे आप जरूर फॉलो करना चाहिए। आपको पीले रंग के टीके उनको लगाना चाहिए, चंदन हो, हल्दी हो, कुछ भी हो, उन्हें दिया जरूर जलाना चाहिए। ये क्योंकि ये कुछ भगवान के पेड़ है जिन्हें भगवान जिसमें वास करते हैं, तो इसीलिए आपको केले के पेड़ को हमेशा अपने घर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाना चाहिए। और केले के पेड़ को लगाने से पहले या लगाने के बाद भी कुछ रिचुअल्स है जो उसको रिचुअल्स को आपको डेली फॉलो करना ही चाहिए। एलोवेरा जो कि हम मानते हैं कि एक हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, हमारे बॉडी के लिए बहुत अच्छा होता है, ये भी वास्तु के हिसाब से एक बहुत पॉजिटिव प्लांट होती है। तो अगर आप अपने घर में एलोवेरा लगा रहे हो तो वो अपने घर के नॉर्थ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे लगा सकते हो। और एलोवेरा आपको अपने घर पे जरूर रखना चाहिए, ये आपके घर में एक नेचुरल ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके बहुत सारे प्रॉब्लम, स्किन के तो कितने प्रॉब्लम, स्किन एंड हेयर के तो सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है, बट उसके अलावा वो आपके बॉडी के भी अंदर की बहुत सारे प्रॉब्लम्स को दूर कर सकता है। तो एलोवेरा आप अपने घर के नॉर्थ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे लगाना ना भूले। अब बात करते हैं डेफोडिल्स की। तो डेफोडिल्स को आप अपने घर के नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन पे लगा सकते हो। डेफोडिल्स अगेन बहुत प्यारा, बहुत ज्यादा सुंदर फ्लावर प्लांट है, बट इट इज ऑल्सो अ वेरी पॉजिटिव एंड वार्मिंग प्लांट। सो या आप डेफोडिल्स को अपने घर के नॉर्थ या ईस्ट डायरेक्शन पे लगा सकते हो। अब हम बात करने वाले हैं मेरी गोल्ड की। हम बात करने वाले हैं जिसे हम कहते हैं गेंदा का फूल। तो गेंदे के फूल को, अगेन गेंदा जो है वो पीले रंग का होता है, तो फिर थोड़ा वो कहीं ना कहीं विष्णु जी से कनेक्टेड होता है। तो गेंदे को आपको साउथ या साउथ ईस्ट डायरेक्शन पे लगाना चाहिए। और गेंदे का फूल को आप अगर जब लगा रहे हो तो जब उसमें फूल निकले तो हमेशा याद रखना कि उस फूल को जब आप भगवान को चढ़ा देते हो या कुछ भी करते हो, बट उस फूल को ना लेकर के फिर कभी कहीं ऐसे मत फेंकना। उसको अच्छे से, अगर आप उसे अच्छे से रब करके छीड़ दोगे ना, मतलब ऐसे
वो कर दोगे, वैरी करवा दोगे, तो गेंदे का पौधा अपने आप निकल जाता है। ये बहुत इजीली ग्रो करने वाला फ्लावर है एंड इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर एंड उसकी खुशबू भी काफी अच्छी होती है, तो गेंदे को आप अपने घर में जरूर लगाएं। हम बात करने वाले हिबिस्कस, जो कि माता रानी का बहुत ज्यादा चहीता फ्लावर होता है। किसी भी नवरात्रि में आप अगर हिबिस्कस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो माँ को दिखा, माँ को चढ़ाने के लिए, माँ का पूजा आप बिना हिबिस्कस के तो कर ही नहीं सकते हो। तो हिबिस्कस को हिंदी में अड़हुल का फूल भी कहा जाता है। ये येलो कलर की होती है, व्हाइट कलर की होती है, रेड कलर की होती है, पर माता रानी का फेवरेट कलर होता है रेड कलर। तो आपको हिबिस्कस को अपने घर के नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे लगाना है एंड हिबिस्कस के फ्लावर्स को हमेशा, हिबिस्कस बहुत सारे वैल्यूएबल अपने अंदर इंग्रेडिएंट्स रखता है जिससे आपके हेयर्स बहुत अच्छे हो सकते हैं। एंड आपने देखा होगा कि काफी शैम्पूज एंड ऑयल सब बताते हैं कि हाँ हिबिस्कस के प्लांट से ये होता है, हिबिस्कस के फ्लावर से, हिबिस्कस का वो ऑयल यूज कर रहे हैं ये वो। तो आप हिबिस्कस अगर आपके अपने घर में है तो उसे जरूर यूज करिए, अपने बालों के लिए बहुत अच्छी इफेक्ट आएगी। एंड इसके अलावा हिबिस्कस को माता रानी को जरूर चढ़ाना और अपने घर के नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे लगाना ना। तो आज ये काफी छोटी सी प्रॉम्प्ट वीडियो थी हमारी अबाउट फ्लावर्स, वास्तु के रिलेटेड एंड कुछ ऐसे फ्लावर्स जो आप अपने घर पे लगा सकते हो और आपको जरूर लगाना चाहिए, क्योंकि आप अपने घर पे जितना ज्यादा फ्लावर्स एंड पौधा पेड़ पौधे लगा के रखते हो उतना आपके घर में पॉजिटिविटी भी आएगी, प्लस आप अपने एनवायरमेंट को बहुत अच्छी इफेक्ट दे रहे हो जिससे आप अपने आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए कुछ अच्छा छोड़ कर जा रहे हो। तो अदर देन गिविंग देम अ लेसन, आप अपने जनरेशन को एक अच्छा एनवायरनमेंट भी देके जा सकते हो पेड़ और पौधों को लगा करके। सिंस अब हमारा कल्चर इतना ज्यादा, हमारी चीजें इतनी चीजें बदल चुकी है, इतना ज्यादा एक्सपैंड हो रही है चीजें कि हमको, आपको अपने लिए और हमारे लिए और हमारे जनरेशन, आने वाले जनरेशन के लिए सस्टेनेबिलिटी अगर मेंटेन करना है तो वो खुद कर सकते हैं। और ये वास्तु उसके कुछ ऐसे फ्लावर्स हैं एंड प्लांट्स हैं जैसे मनी प्लांट हो गया, नीम, तुलसी, ये सब कुछ ऐसे चीजें हैं जो आप अपने घर पे लगाओगे तो इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स आपको जरूर आएंगे अगर आप इनकी सही से पूजा करते हो तो। काफी ये इनमें से काफी ऐसे प्लांट्स हैं जो कि भगवान के प्लांट्स होते हैं जिनको कहा जाता है कि अगर आप भगवान को पूजा करना चाहते हो तो आप इनको अपने घर पे खुद पूजा करो, भगवान तो उसी में बसे हुए हैं। बरगद का पेड़ भगवान उसमें, नीम में माता रानी रहती है, नीम में भगवान होते हैं, तुलसी तो इटसेल्फ में एक पौधा ही है देखा जाए तो यही बात है। तो ये सब कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो कि आप अपने घर पे जरूर लगाइए अपने घर में अच्छी इफेक्ट्स लाने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए, ग्रोथ एंड सक्सेस का लाने। एंड आशा करती हूँ आपको ये वीडियो जो है काफी हेल्पफुल लगी होगी। एंड ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप ध्वनि एस्ट्रो के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूले। हम वहाँ पे काफी अच्छे रील्स डालते हैं जिसमें हम स्विच कर सीजन्स, वास्तु टिप्स एंड मंत्रास देते हैं जो कि आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करिएगा क्योंकि क्या पता उन्हें भी कभी इसकी जरूरत पड़ जाए। नमस्ते, फिर मिलते हैं।